कलानगरी वडोदरा शहेरनी महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटीनी फेकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्समां योजायेला पेंटिंग एक्झिबिशनमां कलाकारे आंगणीना टेरवा वडे दोरेला 45 नयनरम्य चित्रो प्रदर्शित कराया छे। आ तमाम चित्रो मानव जीवनने सकारात्मक तरफ दोरी जाय एवा छे। तो ये मेरा फर्स्ट सोलो शो है। मैं आई हूँ रांची से। मैं बेसिकली हूँ तो बंगाल से, लेकिन अभी मैं रांची में रहती हूँ। तो मेरा ये पेंटिंग का जो जर्नी है, तो मैं रांची से स्टार्ट की हूँ अभी। और उससे पहले मेरा शौक़ तो था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो और उसे जब तक मैं ये शुरू की हूँ, उससे पहले तक मेरा बेटी से, वाइफ से माँ, ये तक का जर्नी हुआ था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था मैं कौन हूँ, ऐसा था। और पेंटिंग का शौक़ तो मेरा था ही अंदर। फिर मेरा बेटी को, जब मुझे लगा कि बेटी को भी इंटरेस्ट है, तो मैंने उसको जब क्लास के लिए पूछी, और तब जब जाने लगी, मैं भी जाती थी, तो फिर मुझे लगा कि मैं भी फिर से शुरू कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ ये। तो मेरा वहीं से फिर से ये जर्नी शुरू हुआ, और आज मैं यहाँ तक हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं ज़्यादातर शिवा के ऊपर पेंटिंग करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करती हूँ, बाकी भी सब कुछ करती हूँ। तो मैं अभी, मेरा जो पेंटिंग में दो तीन चीज़ कॉमन है, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी। वो है कि मैं ब्लू और रेड, ये कलर एकदम कॉमन रहता है, और ऊपर जो क्लोज आइज रहता है तो वो है। और रेड कलर जो है वो है शक्ति, ऊर्जा, ये सब का प्रतीक है। ब्लू है वो अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। क्लोज आईज जो है वो इमोशंस को हम लोग फील कर पाते हैं उसे। तो ये सब कारण है। शक्ति है और एनर्जी है वो रेड कलर उसी का मतलब होता है। यहाँ पे 45 ऐसा है। कैनवास के ऊपर होता है। मैं एक्रिलिक ऑन कैनवास ही करती हूँ। एक करने में कितना टाइम है? ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ खूबसूरत बनाना, अच्छा बनाना, तो ये सब कोशिश करती हूँ। और मेरा 10-15 दिन ऐसे लगता है मैक्सिमम। साइज के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर।